देखो सब लोग गड़बड़ी में रहते, मेरे को तो वीडियो बनाना, बाप तेरे कहाँ जाना है। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसके नीचे है कॉशन कॉशन कॉशन, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आप कर भी नहीं सकते तो करने का कोशिश भी मत करना। सितंबर 12 है और टाइम भी जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं। नया दिन, नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। बाबा लोग, वेलकम टू माय चैनल एडहोलिक व्लॉग्स। थोड़ा स्लो में बोलने का इंट्रो, फास्ट में तो हर कोई बोलता है। आज क्या है, आपको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोग थंबनेल में पढ़ी ली होगे, फिर भी अगर थंबनेल वो नहीं रखा इसीलिए बता देता हूँ आपको क्या है। आज आपको टिप्स दूंगा कि ऐसे कौन से बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए लॉन्ग राइड जाने से पहले। लॉन्ग राइड मतलब आप 600-500 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हो या 500 किलोमीटर के नीचे भी जा रहे हो समझो, तो ये सब चीज़ें क्या है ध्यान में रखना चाहिए, ज़रूरी है। आज हवा जो है फुल कॉम्पिटिशन में है, बहुत तेज़ चल रहा है, तो क्या है कहीं कोई अच्छा जगह देख के गाड़ी रुका लेता हूँ, क्योंकि बोलने में मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा और सुनने में आपको भी। तो इधर राइट में थोड़े बहुत अच्छे रोड्स है तो इधर आगे रुका लेता हूँ। रुका के आपको क्या है विस्तार में बताऊँगा टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो सब लोग गड़बड़ी में रहते, मेरे को तो वीडियो बनाना, बाप तेरे को कहाँ जाना है। अगर आप लोग सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए वीडियो में आए हो तो थोड़ा सबर कर लो, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बकायती चलेगा रोडों के बारे में, नेचर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, उसके बाद ही वीडियो जो है स्टार्ट होगा। या फिर थोड़ा रुको या 10-20-30 सेकंड जितना भी है स्किप करो, आपको क्या है टॉपिक मिल जाएगा। मैंने जो अपना NS का वीडियो बनाया था, मतलब फाइनली गॉट माई न्यू बाइक बोल के, ऐसा एक YouTube वीडियो है, इधर राइट साइड में कहीं राइट या लेफ्ट पे आई कार्ड दे दूंगा, आप लोग देख लेना अगर देखना है तो। वो यहीं से स्टार्ट किया था मैंने, जो अपना मेन सीक्वेंस है वो यहीं कहीं मिट्टी में से स्टार्ट किया था, फिर बाद में यदलापुर वो सब गए थे, वो सब फाद की बातें हैं। अरे रे पूरा आंग पे चढ़ा देगा क्या भाई। ओके दिस सीम्स टू बी अ नाइस प्लेस, बाजू एयरपोर्ट भी है, आराम से इधर रुका देता हूँ गाड़ी और अपना वीडियो जो है कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट नहीं बना लेते हैं। चलो बाबा फिर वीडियो का शुरुआत करते हैं। गाड़ी थोड़ा बहुत गंदा है, थोड़ा बहुत नहीं है, अच्छा खासा गंदा है, उसको वो पार्ट को जो है आप इग्नोर मार दो कम्प्लीटली। फर्स्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है, आप कहीं भी जा रहे हो राइड स्टार्ट कर रहे हो तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ओडोमीटर मिलेगा। ओडोमीटर के बाद दो ट्रिप मिलते हैं, एक ट्रिप वन और ट्रिप टू। आप कोई भी एक को ज़ीरो कर लो, पूरा अपना राइड रिकॉर्ड कर लो, जो जो है जितना किलोमीटर्स चला ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, इससे मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, वो है ये जो आपको ऑयल कैप दिख रहा है ना, ये ऑयल कैप अगर आप खोल सकते हो, कोई नहीं स्टार स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हो, आप दो नट रहते हैं खोल सकते हो, तो इसको खोलो और इसमें का जो है ऑयल चेक करो। ऑयल लेवलर इधर से भी दिख जाता है पर वो बहुत संधि में है, संधि मतलब बहुत कोने में है तो दिखता नहीं है। आप इसको खोल लोगे तो आराम से दिख जाएगा आपको, खोल लो और चेक कर लो ऑयल ऑयल ठीक है, मतलब फिल है या काला वाला तो नहीं, मोस्टली काला तो नहीं पड़ता है इसमें का ऑयल, तो ये चेक कर लो। और आपके ब्रेक्स ये खोलने के बाद ही आप ब्रेक एक दो बार दबा के चेक कर लो कि बबल्स तो नहीं आ रहे, बबल्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अगर बबल्स आ रहे हैं तो कौन सा ब्रेक है, सामने वाला है ना, तो सामने वाले को इधर से इसका ब्रेक का जो मेन लाइन है वो निकाल के, कनेक्शन निकाल के थोड़ा दबाओगे तो ऑयल नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे फेंक देगा ऑयल और बबल्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आगे का ब्रेक का ऑयल जब चेक करोगे ना तो पीछे का भी इसमें का ऑयल चेक कर लेना। इधर मिनिमम लिखा हुआ रहता है, इंडिकेशन रहता है, तो मिनिमम ऑयल रहना ही चाहिए क्योंकि नहीं तो ब्रेक नहीं लगेंगे। ये सब ज़रूरी है भाई लॉन्ग राइड्स पे, ये छोटे छोटे चीज़ें बड़े ही दिक्कत दे जाते हैं। आप लोग गैस कर रहे होंगे शायद, गैस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे तो बता देता हूँ। चौथा पॉइंट जो है मोबिल इंजन ऑयल, इंजन ऑयल जो है आप इसको अभी तो हाथ से मैं नहीं निकाल सकता हूँ, कटिंग प्लेयर लेके निकालिए और इसमें वो थोड़ा बहुत
एक स्टिक जैसे रहता है, वो स्टिक पे आपको समझ में आ जाएगा, उसको छूओगे ना तो टेक्सचर आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गैरेज में ले जाओ तो वो चेक कर देगा, ऐसा कोई दिक्कत का बात है नहीं। मोबाइल ऑयल चेक हो गया, मोबाइल ऑयल चेक होने के बाद जो है आप आइए सीधा अपने चेन पे। चेन देखो, ऐसा हालत में तो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसा हालत में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये है, अभी क्या कर सकते हैं, इसको धुलवाना है। अभी धुलवा के जो है, अब आपको बहुत सारे वीडियोस में बोला हूँ मैं, हर 500 किलोमीटर होने के बाद जो है चेन क्लीन और चेन लूप किया करो, चेन का जो लाइफ है एक्सपेंड होते रहेगा वो। तो ये क्या है, थोड़ा गंदा है, चलता है अभी के लिए, डीजल वॉश या वो सब करके आप चेन क्लीन कर लीजिए। चेन क्लीन करो, चेन ऑल सेट ठीक है। शॉक ऑब्जर वो सब चेक करने का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा क्या है इन डेप्थ नहीं बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें हैं ठीक है। नेक्स्ट तो उसके बाद क्लच आप चेक कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ही लंबे राइड पे जा रहे हो, 1000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, तो आप मैकेनिक के पास जाओ, अपना क्लच प्लेट चेक करो। क्योंकि क्या है, बहुत बार लोग बहुत एग्रेसिव चलाते हैं, मैं खुद एग्रेसिव चलाता हूँ, क्लच प्लेट बहुत बार जल जाता है, तो वो सब टेंशन मांगता नहीं है। तो आप क्या है, आराम से टाइम लो, चेक करवाओ, फिर जो है अपना राइड स्टार्ट करो। ये जो एक ब्रेक के कैलिपर्स रहते हैं ना, ये आपको शायद दिखे या ना दिखे, 4K में बना रहा हूँ वैसे तो वीडियो, ये जो दिख रहा है आपको रबर का, ये 50% भी अगर बचे ना तो चेंज करवा लो। मैं चेंज करवाया था नया, इसलिए फुल दिख रहा है, आगे और पीछे का दोनों चेक कर लेना। और नेक्स्ट क्या है, अगर आपके बाइक में कूलेंट है, मेरे बाइक में तो है कूलेंट, इसीलिए क्या है कूलेंट डिस्प्ले इधर ही दिख जाता है, तो कूलेंट आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि रेडिएटर फ़ैन इसी से चलता है। अगर कूलेंट नहीं होगा तो रेडिएटर फ़ैन जल जाएगा, रेडिएटर फ़ैन अगर जल गया ना बहुत मुश्किल है राइड कंटिन्यू करना। तो ये मिनिमम से नीचे नहीं रहना चाहिए, मैक्सिमम से ऊपर नहीं रहना चाहिए। स्पार्क प्लग भी क्या है, अगर हो सकता है तो एक एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग कैरी करो, क्योंकि बहुत सारे मैं सुना हूँ लॉन्ग राइड्स पे स्पार्क प्लग ब्लास्ट हो जाते हैं, ब्लास्ट नहीं होते हैं, समझ लो फ्यूज़ उड़ जाते हैं। एक छोटा एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी कैरी कर लो, अगर हो सकता है तो छोटा सा फ्यूज़ रहता है, तो वह फ्यूज़ डालोगे तो फ्यूज़ से क्या है पूरे गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब चलते हैं, समझो सेंसर्स वो सब काम करने बंद कर देंगे अगर फ्यूज़ उड़ गया तो। वो एक छोटा फ्यूज़ कैरी कर लो, 10 रुपये का आता है फ्यूज़ और स्पार्क प्लग। और क्या है, आप ब्रेक लाइट वो सब भी चेक कर लेना, क्योंकि ब्रेक लाइट जो है आगे पीछे पीछे आने वालों को बहुत काम आता है, आपको शायद इम्पॉर्टेंट ना लगे पर पीछे जो आ रहा है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेक आप लगा रहे हो कि नहीं। हाँ, इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट नहीं तो भी इम्पॉर्टेंट तो है भाई, ये देखो इधर स्टिकर लगा हुआ है कि इसमें एयर कितना भरना चाहिए। अगर आपको आपके गाड़ी का नॉलेज है, आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो अपने हिसाब से भरवाओ। अगर नहीं है नॉलेज, आपको रोड्स भी पता नहीं है कैसे रोड्स होंगे क्या नहीं, तो इसके हिसाब से भरवा लो। अगर बहुत खड्डे वड्डे वाले रास्ते हैं तो पीछे के टायर में अगर पिलियन बैठ रहा है तो कम ही रखो हवा, क्योंकि क्या है बहुत रखोगे टायर बर्स्ट होने का वो सब सीन रहता है, वो सब मांगता नहीं है। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके नीचे है, इसके नीचे आता है चेन स्प्रॉकेट। चेन स्प्रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा चेन तो क्लीन कर दोगे, अगर चेन स्प्रॉकेट की क्लीन नहीं करोगे ना, तो मेरे साथ एक बार हो चुका है पुणे जाते समय, तो क्या है आप चेन क्लीन करोगे चेन क्लीनर से, मोटुल का अगर चेन क्लीनर यूज़ करते हो या डीजल वाश कुछ भी करोगे, तो इधर से तो साफ़ हो जाएगा, कचरा आके इधर एक ऐसा स्प्रॉकेट रहता है तो स्प्रॉकेट में जमा हो जाता है। अब तुम चेन क्लीन करने के बाद समझो आप लॉन्ग राइड पे निकल गए, चेन घूम रहा है उस पॉकेट में से काला जैसा कचरा रहता है, वो आके गिरता है आपके एग्जॉस्ट पाइप पे। इधर मेरे में थोड़ा बहुत टपक चुका है, मेरे को पता है वो सीन क्या है, इधर टपकना शुरू हो जाता है और ऐसे खतरनाक अमाउंट में धुआं उठता है ना दोनों तरफ से, ऐसा बहुत सारा धुआं उठेगा और आपका फटके चार हो जाएगा कि धुआं आ कहाँ से रहा है, कहीं इंजन ऑयल तो लीक नहीं हो रहा है। मेरे को भी वही डाउट आया था कहीं इंजन ऑयल ना लीक हो जाए, मेरे को तो शोर हो गया था कि इंजन ऑयल ही लीक हो रहा है, फिर मैंने बाद में चेकअप करवाया, उधर ही रोड पे ही रुक के 2-3 घंटा रुकने के बाद चेकअप कराया, तो मालूम पड़ा चेन स्प्रॉकेट में जो फंसा हुआ कचरा है उसका टपक रहा है
एग्जॉस्ट पाइप पे, फिर उसका धुआं उठ रहा है। तो इतना सब तो देखो भाई, एक ये सब क्या है, बेसिक चीज़ें हैं लॉन्ग राइड पे जाते समय ध्यान में रखने के लिए। और बाकी आप लगेज, लगेज क्या है, आप लगेज, लगेज का भी बता ही देता हूँ। लगेज आप बंजी कॉर्ड से अगर बांध रहे हो, आपके मड़गार्ड के नीचे से कोई भी बंजी कॉर्ड पास बिल्कुल मत करना। इसका मड़गार्ड तो वैसा है नहीं कि पास कर पाए, थोड़े बहुत गाड़ी बाइकों के इधर से रहते हैं तो लोग क्या कर देते हैं, उसके नीचे से ले आते हैं। नहीं मत करो भाई वो, क्योंकि क्या है, गाड़ी खड्डे में शॉकअप दबाएगा, टायर ऊपर आएगा, वो बंजी कॉर्ड के कटने के चांसेस है और बैग गिरने के। तो लगेज को भी क्या है, आराम से संभाल के रखो। बाकी माइलेज पेट्रोल वो सब तो आपको आपके गाड़ी का अच्छा नॉलेज होगा, मैं क्या ही बताऊंगा उसके बारे में, इतना सब बेसिक नॉलेज है। बाकी रोड पे मिलते हैं फिर। बाबा आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन ही था, और मेरे को इन्फॉर्मेशनल वीडियो ही बनाना था, इसीलिए छोटा वोटा पड़ जाए तो वीडियो चला लो काम। मोटो व्लॉग्स आएंगे थोड़े दिन के बाद आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे, अभी कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ। अभी क्या है, 3-4 दिन वीडियो नहीं आएगा, एक नए वीडियो पे काम कर रहा हूँ। आपको होप करूँगा आपको पसंद आएगा, मोस्टली तो 80% लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि सिनेमैटिक वीडियो है, ऐसा कोई बाकायती है नहीं उसमें, गणेश चतुर्थी पे ही है। क्लीन हिंट दे देता हूँ, फिर भी गेस मार लो। तो आज का वीडियो पसंद आए तो अपने हिसाब से कर देना जो करना है, चैनल पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, फिर अनसब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव। कॉशन कॉशन कॉशन, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, आप कर भी नहीं सकते, तो करने का कोशिश भी मत करना।